वेलकम टू फरीद अकेडमी, दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल्लादीन। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 1, जो पेज नंबर 43 और 44 पर दिए हुए हैं। क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस आर देयर और ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे कोई एक अल्टरनेटिव करेक्ट है, उसको हम सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 4। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए पहले देखिए, आपको कभी भी जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है कि उसमें से जो देखते एट वन साइड आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें से दो ऑप्शन गलत हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नंबर्स आर नॉट रिपीटेटिव, नंबर्स रिपीटेटिव नहीं रहेंगे, तो ये सी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। 5 रह गया 1 5 10 और 3 4 5। तो 1 square + 5 square 26 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 10, तो ये भी नहीं है। तो रहेगा क्या 3 4 5, 3 square + 4 square 9 + 6 16 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी 3 4 5। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ साइड्स मेकिंग द राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो दो यहाँ पर दो स्क्वायर का सम, साइड्स के स्क्वायर का सम 169 है। तो 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 13 प्लस माइनस 13, हमको प्लस 13 ही चाहिए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन 13। थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ आउट है, सो आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से डेट कंस्टिट्यूट करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 225 और 8 का स्क्वायर 64 289 इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 17। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर रिपीटेटिव है, ये नहीं होगा। 3 square + 5 square 9 + 25 कितना हो गया 36 नॉट इज स्क्वायर ऑफ, ये स्क्वायर नहीं है किसका, 6 का, 7 का स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर 4 + 9 36 + 9 80 36 + 81 क्या होगा 7 117 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 15। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट 15 08 17। यहाँ पर भी देखिए 169 यहाँ पर डायरेक्ट ही है कि 169 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा और 12 नहीं आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ए बी सी क्या है, साइड्स है ट्राइंगल के, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। तो हमको ये पता है कि फेमस ये दिस इक्वेशन इज फेमस फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ऑप्टिक्स के लिए नहीं है, एक्यूट के लिए नहीं है, इक्विलैटरल के लिए नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ द साइड इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये अगर ये स्क्वायर है ये 10√2 रहेगा, ये 10 10, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 10 square 200 square, तो 200 square का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 into √2, तो 10√2 आ जाएगा। तो ये 10 ये 10 ये 10 ये 10। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है, पेरीमीटर इज 4a, 4a मीन्स 4 into 10 40। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी एंड सी इज नॉट करेक्ट, सो डी इज करेक्ट। यहाँ पर सी का राइट एंगल ट्राइंगल था, सी करेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 40 सेंटीमीटर ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, एल्टीट्यूड ऑन अ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड इन टू पार्ट्स। तो एक हाइपोटेन्यूस पर एल्टीट्यूड है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है हाइपोटेन्यूस को, 4 और 9 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड 4 और 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे, तो 9 फॉर द 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए बी एंड डी आर नॉट करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, 6 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइट और बेस कितने हैं, 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और ये बेस 18 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको स्क्वायर लेंगे, 18 का स्क्वायर 324 और 24 का स्क्वायर 576, एडिशन करेंगे 900 स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए सी एंड डी आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज 30 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल एबीसी, एबी 6√3 है एबी, और बीसी है 6 और एसी है 12। फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए, तो हमको पता है कि इफ द लेंथ अपोजिट टू द एंगल, एनी एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, देन दैट एंगल इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी और डी आर नॉट करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 1 के ऑल 8 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।